आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, 26 जुलाई दिन मंगलवार को सावन माह की शिवरात्रि है। सावन माह की इस शिवरात्रि पर यदि आप भगवान शिव का सच्चे मन से और पूर्ण श्रद्धा से अभिषेक करते हैं या उनके समक्ष कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा ही छोटा सा उपाय लेकर आई हूँ। इस उपाय के लिए आपको मात्र एक इलायची की आवश्यकता होगी। जी हाँ, हरी इलायची, जिसे हम अपने रसोई घर में भी प्रयोग करते हैं। साथ में एक लोटा शुद्ध जल चाहिए है, और अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप घबराएं नहीं, शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर जो बेलपत्र अर्पित हो आप उसे ही ले सकते हैं। एक बार शुद्ध जल से आप उसे धो लें, उसके बाद आप उसका समर्पित कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको शिव जी के मंदिर जाना है और अपनी विशेष मनोकामना को कहते हुए अपने हाथों पर, हथेली पर इस एक इलायची को आपको रख लेना है और भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें, या शिव जी के पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें और अपनी मनोकामना को बाबा भोलेनाथ से कह दें। उसके बाद आप जो घर से जल लेकर गए हैं, एक लोटा जल धीरे धीरे एक धार बनाते हुए पूर्ण शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। शिवलिंग के हर एक भाग पर आपको अर्पित करना है और वापस आते समय नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। बस इतना मात्र आपको यह उपाय में करना है। आपकी हर मनोकामना इस दिन शिवरात्रि के दिन, सावन माह की शिवरात्रि के दिन अवश्य ही पूर्ण होगी। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे अवश्य ही बताइएगा।